साथियों, ये है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए दृष्टि आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम का इंडक्शन टेस्ट। बहुत बेहतरीन टेस्ट है साथियों। इसमें आपको सामान्य अध्ययन और सीसेट के प्रश्न मिलेंगे। आपको बता दें कि इसमें कुल 150 प्रश्न है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है साथियों। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको देखेंगे कि पूरा का पूरा जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस तरह से एग्ज़ाम का पेपर आता है हर एक टॉपिक को टच करके, बिल्कुल उसी तरह से है। तो इसमें हम लोग 120 प्रश्न जो है वो जीएस के हैं और 30 प्रश्न जो है सीसेट के हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीएस को देखेंगे और सीसेट को अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बेहतरीन है साथियों। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप यहां से बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत काम देगा। और आपको देखने को मिलेगा कई सारे प्रश्न, 2-4 प्रश्न हो सकता है यहां से भी आपको देखने को मिल जाए। तो साथियों, वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा देखकर छोड़ देते हैं तो उससे हमारा वीडियो का इम्प्रेशन गिर जाता है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए और ये उत्तर देखने से पहले अपने आप को पहले जांचिए, देखिए हम कर ले रहे हैं कि नहीं। तो साथियों, चलते हैं हम लोग बिना समय गवाए पहले प्रश्न को देखते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या है हमारा, देखें हमारा ये क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, दिया है एक आभा खटुआ। आभा खटुआ का संबंध किस खेल से है। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये आभा खटुआ खेल है क्या है। तो मेरे भाई बता दें, आभा खटुआ एक महिला हैं, 28 वर्षीय महिला हैं, जो गोला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा, आभा खटुआ का संबंध किस खेल से है, गोला फेंक से। तो याद रखिएगा ये, तो गोला फेंक से है ये। आगे हम लोग देखें अब ये दूसरा वाला प्रश्न। ये दूसरे वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, देखें यहाँ पर एक नाम है। क्या नाम है ये, ग्लिसे 12B। तो ये जो ग्लिसे 12B है हाल ही में सुर्खियों में था और यह किससे संबंधित है। तो मेरे भाई ये जान लीजिए, ये ग्लिसे 12B जो है एक एक्सो प्लेनेट है, वाह ग्रह जिसे कहा जाता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे हम लोग अगर देखें, देखें यहाँ पर क्या है, तीसरा में कह रहा है साथियों, आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2024 का, आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो साथियों, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी थे शाहिद अफरीदी। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी को साथियों इनका एक उपनाम दिया गया है, बूम बूम। तो ऑप्शन नंबर ए, शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। आगे हम लोग देखें, देखें चौथे वाले में क्या कह रहा है कि हाल ही में एक नवपाषाण कालीन स्थल की खोज की गई है जहां से नक्काशी युक्त चट्टान प्राप्त हुई है, यह किस राज्य में है। यह किस राज्य में है साथियों, गोवा में है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखें पांचवा में क्या कह रहा है। पांचवा में कह रहा है कि मई में 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन क्या है, यहाँ पर मई में जो 77वां विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया। तो साथियों, ये जिनेवा में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बढ़ें, देखें छठवें में क्या कह रहा है, सार्वजनिक परीक्षा जिसे अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक 2024, यानी आप ये जो अभी पेपर लीक का जो मामला हुआ है तो सरकार ने इसके लिए एक कानून बनाया है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, यानी इसका जिसे कह सकते हैं अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए, यानी जो पेपर लीक है या नकल विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया जिसे लागू किया है, जिसमें उम्र जीवन जिसे उम्र कैद और 1 करोड़ का जो है जुर्माना भी लगाया है सरकार ने। तो यह कह रहा है यह किस परीक्षा प्राधिकरण में के लिए शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें UPSC, SSC, IBPS, NTA जैसे एग्ज़ाम इसमें शामिल है, इसमें UGC शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ये नकल विरोधी गतिविधियों में, तो ये याद रखिएगा, ये UGC शामिल नहीं है इसमें। आगे हम लोग देखें सातवें में साथियों कह रहा है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी
का अनावरण किस नदी के तट पर किया गया है। तो साथियों, वैदिक घड़ी क्या होती है, जैसे ज्योतिषी होती है उसमें काम आता है, और जो तमाम ग्रहों से संबंधित कुछ गतिविधियों के लिए काम आता है। तो यह वैदिक घड़ी जो है, यह छिप्रा नदी के तट पर जो है इसका अनावरण किया गया है। छिप्रा नदी कहाँ है साथियों? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, तो वहीं छिप्रा नदी है। और आप लोग जानते हैं उज्जैन में ही वो कुंभ लगता है, जो चार जगहों पर लगता है उनमें से एक उज्जैन भी है। तो ऑप्शन नंबर बी, छिप्रा नदी के तट पर वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया। आगे हम लोग देखें, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे हाल ही में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया है। तो ये आपसे एक जो नाम पूछ रहा है, ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये किस राज्य में है, और यह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी हाल ही में इसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया है। तो साथियों, यह ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर डी, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा में। नौवां में हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा, यहाँ देखिए एक शब्द है, हाल ही में चर्चा में रहा ढोकरा शिल्पकला किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जान लीजिए ढोकरा शिल्पकला क्या होता है। यह एक मूर्ति, प्राचीन तरीके से मूर्ति बनाने की एक विधि होती है, जिसे मधुमक्खियों को जो छत्ता होता है, छत्ता मोम होता है, उसी मोम के सहारे जो पहले मूर्तियां बनाई जाती थी, तो उसी का उपयोग करके ये मूर्तियां बनाते हैं। तो यही जो है मोम, मधुमक्खियों के छत्ते का उपयोग करके जो मूर्तियां बनाने की कला है, उसी को नाम दिया गया है ढोकरा कला। ये ढोकरा कला मूर्ति बनाने वाले लोगों पर ये जो नई GST आई है, इससे उन लोगों को बहुत प्रभावित किया है, इसके उनकी बिक्री आधी हो गई है। तो इसी से संबंधित यह आया था। तो ये कहाँ है मेरे भाई? ये नौवां, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ढोकरा शिल्पकला छत्तीसगढ़ में है। क्यों ये चर्चा में आया? क्योंकि ये GST और टैक्स का मामला इनको परेशान कर दिया, इनकी बिक्री आधी हो गई, इसलिए। आगे देखें हम दसवें में, देखें दसवें में क्या है, दसवां में कह रहा है 66वां ग्रेमी पुरस्कार, कौन सा? 66वां ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हस्तियों का चुनाव कूट की सहायता से करना है। यानी आपको चार नाम दिया है, इन्हीं नामों में से हमें बताना है ये विकल्प के माध्यम से, तो 66वां ग्रेमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो साथियों जान लीजिए, जाकिर हुसैन को भी दिया गया, राकेश चौरसिया को भी दिया गया, शंकर महादेवन को भी दिया गया, और शल्व गणेश विनायकम को भी दिया गया। यानी आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, यही आंसर बनेगा, यानी सभी को दिया गया है ये 66वां ग्रेमी अवार्ड। देखें 11 में साथियों, देखें बहुत ये फैक्चुअल सवाल है, मस्त सवाल है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अयोध्या में नव निर्मित मस्जिद, अयोध्या में जो मंदिर का मामला जब आया था, तो उनको मस्जिद बनाने के लिए उनको भी ज़मीन दी गई थी। तो कह रहा है अयोध्या में नव निर्मित मस्जिद का क्या नाम रखने का निर्णय इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा रखा गया। तो पहले तो ये जान लीजिए, उसका नाम रखने का निर्णय कौन लिया है? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। और वो क्या नाम रखने का निर्णय लिया गया है मेरे भाई? तो आप लोग ये जान लीजिए, आप लोग एक वो सुने होंगे ट्रिक के लिए, MBBS। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मस्जिद मोहम्मद बिन, यहाँ MBBS नहीं, MBA होगा। तो ऑप्शन नंबर आप जान लीजिए, ए होगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी MBA। तो यही इसका नाम रखने का निर्णय लिया गया है, याद करिएगा। आगे हम लोग देखें 12वें में, देखिए ये सवाल कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, IAS से लेके PCS, बहुत सारे स्टेट कमीशंस में ये सवाल आए हुए हैं। तो क्या है इसमें, क्या देखिए हमसे पूछ रहा है, जो भारत में चीनी यात्री आए हैं प्राचीन समय में, तो चीनी यात्रियों का क्रम पूछ रहा है, सबसे पहले कौन आया था। तो आप लोग को मालूम होगा, ये फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग,
सुंगयून, ये जो चारों हैं ये सब चीनी यात्री हैं, भारत में आए थे सब यात्रा के तौर पर। तो आपसे ये क्रम जानना चाह रहा है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद। तो इसका एक ट्रिक होता है मेरे भाई, ट्रिक आप लोग जान लीजिए, फांसी। ये जैसे हिंदी में आप लोग ऐसे लिखोगे फांसी, तो अगर इसे इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या कहोगे, FSHI। तो इससे आप लोग ट्रिक निकाल लीजिए, एफ से फाहियान हो गया, एस से क्या हो गया, एच से ये सुंगयून हो गया, और एच से क्या हो गया, हेनसांग, और आई से इत्सिंग। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारा कौन सा यहाँ पर ये हमारा सेट हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहले कौन होना चाहिए, एक होना चाहिए, और सबसे अंत में तीन होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, इन दोनों में होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर हमें जो है चार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये सी हमारा बन रहा है, ये वाला। तो आप लोग एलिमिनेशन लगा देंगे तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। हम लोग चलें 13वें पर देखते हैं। 13वें में साथियों कह रहा है भवभूति ने, भवभूति नाम के एक व्यक्ति हैं, तो भवभूति ने एक रचना की, उस रचना का नाम है साथियों मालती माधव। क्या नाम है ये, मालती माधव। तो भवभूति के कृत मालती माधव निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आप लोग जान लीजिए, भवभूति ने जो मालती माधव की रचना की थी, इसमें देखे रहे हैं दो नाम है मालती माधव। तो इस मालती माधव रचना में मालती और माधव नाम के दो व्यक्ति होते हैं, उनके प्रेम कथा यानी लव स्टोरी है इसके बारे में। तो इन्हीं के बारे में ये क्या क्या है, किसके अध्ययन के महत्वपूर्ण है, ये कापालिक के लिए, ऑप्शन नंबर ये बी है। अगर आपसे पूछे मालती माधव में क्या है, तो मालती और माधव नाम के दो स्त्री और पुरुष यानी दो व्यक्ति होते हैं, स्त्री पुरुष, उनके लव स्टोरी है इसमें। आगे देखें 14वें में, देखें 14वें में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कौटिल्य अर्थशास्त्र पर टीका है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र पर टीका इसमें से कौन है साथियों, भट्टा स्वामी कृत प्रतिपदा पंचिका। तो ये जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र पर एक टीका लिखा है, किसने लिखा है, भट्टा स्वामी ने। क्या है वो, प्रतिपदा पंचिका, ऑप्शन नंबर डी। 15वां में हम लोग देखें, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित सवाल है, बढ़िया है। कह रहा है कि दिल्ली के सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा राजधानी दिल्ली के आर्थिक मामलों के देखभाल के लिए दीवान ए रियासत नाम का एक नवीन मंत्रालय बनाया। तो साथियों जान लीजिए, ये जो दीवान ए रियासत, पहले जान लीजिए किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्या था, यह एक व्यापारिक विभाग था, यानी ये एक तरह का विभाग था ये दीवान ए रियासत, जिसे अलाउद्दीन बनाया था। क्यों बनाया था, कि अगर कोई भी व्यापारी व्यापार करने के लिए आएगा तो सबसे पहले इस विभाग में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, यानी व्यापार के सुविधा के लिए, व्यापार को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखें हम लोग, 15 हो गया, 16वां देखते हैं। तो 16वें में क्या है, तो देखें 16वां में देखने तो भारी भरकम है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, खूब ढेर सारा लिखा रहता है आपको साइकोलॉजिकल परेशान करने के लिए, तो डिस्टर्ब करने के लिए आपको मेंटली, लेकिन उसमें कोई दम ही नहीं होता है। तो आगे अगर हम लोग देखें इसमें क्या है, 16वें में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय, आपको मालूम है ये कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे, उनके संबंध में तीन कथन दिया है। तो इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको अगर पूरी तरीके से जानकारी न रहे तो फिर भी आप इसे लड़कर आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, पहला आप जैसे पढ़ेंगे तो कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था। तो मेरे भाई आपको मालूम होगा विजयनगर साम्राज्य में मुख्य चार वंश थे, उन चारों वंश को आपको नाम होगा संगम, सालुक, तुलुव, अराविडु, वो याद होगा आपको। उसका एक ट्रिक होता है सस्ता, एस संगम सालुब तुलुब अराविडु, तो ये याद रखेंगे सस्ता तो आपको याद आ जाएगा, ये क्रम भी यही है। तो ये जो कृष्णदेव राय थे मेरे भाई, ये तुलुब वंश से संबंधित थे, सालुब वंश से नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा, ये किससे, तुलुब।
आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो एक जहाँ होगा आप उसे कट कर दीजिए, एक यहाँ बैठा है ये गलत, एक यहाँ बैठा है ये गलत, एक यहाँ बैठा है ये गलत। इसका मतलब सीधा सीधा आप आँख मूंद कर एक ही विकल्प, एक ही कथन को पढ़े और उत्तर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 और 3 सही है, ये 2 और 3 ये सही है। इसको पढ़ लीजिएगा, आपको फैक्ट के रूप में याद रहेगा। 17 में देखते हैं, देखें भाई अब 17 में क्या है, कह रहा है कि किस मुग़ल बादशाह के द्वारा इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को शुरू किया गया था। तो शाहजहाँ था मेरे भाई, ये इन्होंने इलाही संवत के स्थान पर ये हिजरी संवत को शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे हम लोग देखें अब 18 में क्या कह रहा है, 18 में आपको कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलियन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो एक तरफ कुछ यहाँ पर जो है मतलब ये वास्तुकला दिया गया है यहाँ पर, और दूसरी तरफ ये अवस्थिति उसका लोकेशन दिया है कहाँ पर वो अवस्थित है। तो नहरे बहिश्त जो है मेरे भाई ये जो है ये दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर सही सुमेलित के बारे में पूछा है, तो हमें ये मालूम है नहरे बहिश्त जो है ये दिल्ली में है। तब आप सोचते होंगे सर ये तीनों तो गलत हैं। हाँ भाई ये तीनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? तो मरियम महल जो है मेरे भाई ये फतेहपुर सीकरी में है, जिसे अकबर ने बनवाया था, लाहौर में नहीं है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। और हीरा महल यहाँ पर लिख दिया है, हीरा महल आगरा में नहीं है मेरे भाई, ये है जो है हीरा महल ताजमहल के अंदर है, जिसे जो है ये शाहजहाँ ने बनवाया था। और यहाँ पर डी में दिया है शीश महल, शीश महल एक शीशे की तरह है, बहुत चमकता रहता है। तो ये फतेहपुर सीकरी दिया है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है, यह राजस्थान के जयपुर आमेर के किले में है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसलिए गलत हो गया। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सत्य है। आगे देखें हम लोग 19वें में, तो देखें यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फैक्ट है, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, जगह जगह ये कोट किया जाता है विद्वानों के द्वारा, राजनीति में भी ये खूब प्रयोग होता है। कांग्रेस का उस समय तक, ये मतलब ये बात किसने कही है ये पूछ रहा है, कांग्रेस उस समय तक वास्तविक रूप से राष्ट्रीय कहलाने की अधिकारी नहीं है जब तक कि वह निम्न तथा पिछड़ी जातियों के हितों की ओर ध्यान नहीं देती। तो उपर्युक्त कथन किस विचारक से है? तो मेरे भाई ये बात ज्योतिबा राव फूले ने कही थी, ऑप्शन नंबर ए, कि कांग्रेस को अपने नाम में राष्ट्रीय कहलाने का कोई हक नहीं है, कि जब तक वह निम्न और पिछड़ी जातियों के हक की और हित की बात न करे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे हम लोग देखें 20वें में, तो साथियों 20वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो फिर यहाँ पर आप लोग देखें सही है कि नहीं है, तो इस पर आप लोग ज़रूर गौर करिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है सही है, तो मित्र मेला, यहाँ पर साथियों मित्र मेला आपको मालूम है बीडी सावरकर ने किया था, ये दुनिया में तो नहीं है लेकिन भारतीय राजनीति में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा बीडी सावरकर। तो मित्र मेला को बीडी सावरकर ने ही लिखा था, ये बहुत ज़्यादा फेमस फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, और बाकी ये तीन गलत हैं। अब साथियों गलत हैं तो क्यों गलत है आपको मालूम होगा, भारत स्वशासन समिति यह जो है बनाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में बनाया था। अनुशीलन समिति के बारे में बात कर लें तो ये लाला लाजपत राय ने नहीं बनाया था, इसको बनाया था सचिंद्र चंद्र बसु SCB। तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। आगे हम लोग देखें 21वें में साथियों ग्राम उद्योग संघ और यहाँ पर दिया है तालीम संघ और गौ रक्षा संघ बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो साथियों आप लोग देखेंगे तो पढ़े होंगे, अगर दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगा, दयानंद सरस्वती ने ग्राम उद्योग संघ, तालीम संघ और गौ रक्षा संघ बनाने का श्रेय दिया जाता है, यानी उन्हें दिया जाता है श्रेय बनाने का। हम लोग 22 को देखते हैं, देखें 22 में क्या कह रहा है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें विचार करके देखे, पॉलिटी का सवाल है, बहुत बेहतरीन है, आपको किस तरह से घुमाया है, आप लोग को घूमना नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कथनों पर विचार करना है और विचार करके हमारे बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है परमादेश रिट, रिट मालूम है आपको, जारी किया जाता है जब आपके मूल अधिकार का हनन होता है, 32 अनुच्छेद 32 तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 तहत हाई कोर्ट। तो परमादेश किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ प्रयोग किया जाता है, नहीं भाई गलत है, परमादेश जो होता है केवल सरकारी अधिकारी के प्रति, यानी सरकारी व्यक्ति जो होता है उसके प्रति ये जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, प्राइवेट व्यक्ति के तहत नहीं, प्राइवेट व्यक्ति के लिए खिलाफ जारी नहीं किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो मतलब ये फैक, ये कथन ही गलत है। और दूसरा पढ़ेंगे तो कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करके उसके कर्तव्य का पालन करके बाध्य नहीं किया जा सकता। यस, ये नहीं कि कोई राष्ट्र राज्यपाल अपना काम कर रहा है, राज्यपाल आप उसे परमादेश रिट जारी करके उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, सही है ये। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला वाला सत्य नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम देखें इसमें क्या कह रहा है हमारे में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो आपको मालूम है साथियों, इस प्रश्न यही कह रहा है अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकता नागरिकों के साथ, तो किस आधार पर नहीं कर सकता ये मालूम है। तो साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ जो मूल वंश है, यहाँ पर देख रहे हैं एक दिया है मूल वंश, एक जन्म स्थान और तीसरा निवास दिया है, तो इन्हीं आधार पर हमें बताना है किसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है और निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। जैसे निवासी ट्रंप चले आए भारत में, तो नागरिकों के यहाँ का जो है उन्हें उनके साथ जितना अधिकार मिलेगा उतना ट्रंप को नहीं मिलेगा, तो क्योंकि इनका निवास यहाँ नहीं है, यहाँ के वो निवासी नहीं हैं। तो ये तीन वाला जो है, तो तीन के निवास के आधार पर ये सरकार भेदभाव कर सकती है, और जबकि मूलवंश जन्म स्थान के पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मूलवंश जैसे कोई यहाँ का नहीं है, फिर बाद में आके यहाँ का नागरिकता ले लिया, जैसे सोनिया गांधी यहाँ के नहीं है लेकिन यहाँ आके बस गई, तो उनको साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यहाँ के वो नागरिक हो गई हैं, जबकि वो उनका मूल वंश यहाँ का नहीं है, जन्म स्थान भी यहाँ का नहीं है, तो लेकिन व्यक्ति आकर यहाँ रहा और यहाँ का नागरिकता प्रदान की गई, तो नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर नहीं किया जा सकता। 24 का हम लोग देखें, संविधान का अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को कुछ क्षेत्रों में प्रभावी नियम बनाने का उपबंध करता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सा उस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो भाई यहाँ पर निर्वाह मजदूरी दिया है अनुच्छेद 41, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखकर अगर ये विकल्प को पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। और दिया है बुढ़ापा और निशक्तता, आर्थिक समर्थता के भीतर काम देना, शिक्षा संबंधित अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपाय। तो यहाँ पर निर्वाह मजदूरी की बात यहाँ पर 41 में नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, तो यही हमारा उत्तर भी होगा क्योंकि गलत पूछा है। 25 में देखें यहाँ पर एकदम बहुत हल्का सा आप गड़बड़ी किया है, कितना बड़ा आपके अंदर जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो, सवाल में तो कोई दम नहीं है लेकिन आपको कन्फ्यूज करने के लिए आपको कितना आसानी से बहकाना चाह रहा है। देखिए 25वां जब पढ़ेंगे, असत्य कथन, पहले ये देख लीजिए, असत्य कथन हमें पूछ रहा है, तो असत्य कथन पूछ रहा है और पहले में कह रहा है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित संसद के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो मेरे भाई आपको लग रहा होगा ये सही है, लेकिन गलती कहाँ है, यहाँ संसद जो दे दिया, संसद जो दे दिया है यही गड़बड़ी किया। संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं,
ये नहीं कि 543 ये 250 मिला के 700 का हम 750 का जो हो गया जो भी हो दोनों मिलाकर उसका 15% निकालें और उतना मंत्री बनाए, नहीं ये गड़बड़ है। केवल लोकसभा का, लोकसभा के कुल जितने सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा में इस समय 543 सदस्य हैं, 543 का 15% निकाल लीजिए तो ये जितना आएगा उतने प्रधानमंत्री सहित उतने से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, लगभग 80-80 आएगा, जो भी आएगा आप निकाल लेना। तो ये होगा, तो यहाँ केवल लोकसभा होना चाहिए था, संसद नहीं, तो यही गड़बड़ हो गया मेरे भाई। तो आपको जब पहले पता चल गया ये गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब असत्य पूछा है, असत्य यही है, तो यही हमारा उत्तर होगा और बाकी सब अपनी जगह पे सही हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रशासन पर अपना पद धारण करते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तो होती है, ये बात सही है, क्योंकि मंत्री पर्सनल रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है, ये भी बात सही है। डी कह रहा है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पश्चात गोपनीयता का शपथ लिया जाता है। यस मेरे भाई, अपना पद धारण करने के बाद अपनी पद का शपथ लेके, अपना पद धारण करके उसे गोपनीयता की शपथ लेना पड़ता है। गोपनीयता की शपथ ये क्या होता है कि हम सरकार के किसी भेद को किसी के साथ खोलेंगे नहीं, किसी राज को नहीं खोलेंगे, तो ये होता है गोपनीयता का शपथ। आगे बढ़े हम लोग 26 में, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिकारी के पास शक्ति है कि वह अनुज्ञा यानी आज्ञा दे सके यदि कोई जनप्रतिनिधि संसद में हिंदी या अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता तो वह अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़े लिखे कम हैं, हम सांसद बन गए और लोकसभा में गए, हमें हिंदी नहीं आता और अंग्रेजी भी नहीं आता, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें भोजपुरी आता है, हम अपना भोजपुरी में भाषण दें, तो यह अधिकार हमें कौन देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए यही देंगे, क्योंकि लोकसभा के उपाध्यक्ष मालूम होगा ये मोदी का जो टर्म था ये 19-24 वाला, इसमें लोकसभा का ये उपाध्यक्ष जो है ये खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि अब उसका रीजन नहीं होगा, नहीं मालूम, लेकिन ये लोकसभा का उपाध्यक्ष हमेशा अपोजिशन से बनता है, विपक्षी पार्टियों से बनता है, तो इस साल बनाने की बात की जा रही है, देखते हैं कौन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा इसका। 27 देखते हैं, तो देखें 27 में साथियों बेहतरीन प्रश्न है, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय स्वयं के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त करता है? तो मेरे भाई इसका जो आप कहने का तरीका अलग है, ये कहने का मतलब है न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, अपने ही निर्णय को फिर से रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है। जैसे आज हमने, मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हूँ, तो आज हमने कोई निर्णय दिया, कल हमारा जो है लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है तो मैं उसको फिर से रिव्यू करना चाहता हूँ, तो ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? तो मेरे भाई ये शक्ति जो है ये अनुच्छेद 137 से प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी, यानी फिर से रिव्यू करने की शक्ति कौन देता है? अनुच्छेद 137। 28 में देखते हैं क्या है। संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मेरे भाई संसद के द्वारा, सीधी बात, ऑप्शन नंबर डी। 29 में देखते हैं क्या है। राज्य विधानमंडल के मंत्रियों में यह अधिकार निहित है कि, किसके? राज्य विधानमंडल के मंत्रियों में यह अधिकार है कि वह, क्या अधिकार है? दो कथन दिया है, पढ़ लीजिए तीनों को और सही उत्तर दे देना है। द्विसदनी विधायिका के दोनों सदनों में बोल सकता है। तो मेरे भाई आपको मालूम है दो सदन जो है केवल जो राज्य विधानमंडल में भी, जैसे संसद में दो सदन होते हैं ऐसे राज्य विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, हालांकि केवल 6 राज्यों में है, आप लोग देख लीजिएगा, 6 राज्यों में केवल ये विधान परिषद है। तो अगर कोई, जैसे हम यूपी की बात कर ले, यूपी में योगी सरकार में जितने मंत्री हैं वो मंत्री जो है दोनों सदनों में जाकर बोल सकते हैं, ये बात सही है, चाहे वो मंत्री किसी भी, मतलब किसी भी सदन के हों, वो दोनों सदनों में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये बात सत्य है। दूसरा कह रहा है कि विधानमंडल की किसी भी समिति की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यस, वो भाग भी ले सकता है, किसी भी समिति में जाकर वो भाग ले सकता है, बैठ सकता है, उनको सुन सकता है। तीसरा, एक मंत्री के रूप में मतदान का अधिकारी होगा? नहीं भाई, जिस सदन का वो सदस्य है उसी सदन में केवल मतदान करेगा, अन्य सदनों में नहीं। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, तीन जहाँ होगा उसे काट दीजिए,
तो यहाँ तीन, यहाँ तीन, यहाँ तीन, ऑप्शन नंबर ए केवल हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीस, तीस में कह रहा है भारतीय संवैधानिक कानून के संदर्भ में अनिवार्यता के सिद्धांत, भारतीय कानून के संबंध में अनिवार्यता का सिद्धांत जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियली बोला जाता है को लागू करते समय न्यायाधीन प्रकरणों को आमतौर पर किस अनुच्छेद का हवाला दिया जाता है, तो इसे किस अनुच्छेद का हवाला दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, इस अनुच्छेद 25 का ये हवाला दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। तो चले हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, ये 31 में देखें, इसमें भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक तरफ हमें दिया है वनों के प्रकार 31 वाले में, और एक तरफ दिया है ये कहाँ पाए जाते हैं, उनका लोकेशन दिया है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आपको मालूम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ पर हाई फाई वर्षा होती है, हाई फाई टेम्परेचर होते हैं वहाँ होते हैं, तो अंडमान निकोबार में, ये बात सही है, तो हमें सही सुमेलित करना है, तो ये पहला वाला हमारा सत्य है। अगर हम दूसरा पढ़ते हैं तो आर्ध पर्णपाती वन ओडिशा में पाए जाते हैं, यस ओडिशा, मध्य प्रदेश, यूपी जैसे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, हर जगह नहीं, जहाँ थोड़ा सा वर्षा मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ भी पाए जाते हैं। अब ये भी बात सही है दूसरा वाला। तीसरा में कह रहा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर में, नहीं मेरे भाई, कश्मीर में शंकुधारी वन टाइप के पाए जाते हैं, इस टाइप के वन जो जिस पर बर्फ न टिके ह्यूमिडिटी के कारण, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये जो सूखे एरिया राजस्थानी या जो रेतीले एरिया होते हैं, मरुस्थली एरिया, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तीन गलत हो गए आपका, तो तीन जहाँ होगा उसे कट कर दीजिए, ये तीन है, ये तीन है, यहाँ बैठा है, एक तो होगा नहीं क्योंकि एक से अधिक विषय है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक और दो सत्य हैं। 22 देखते हैं हम लोग, देखें यहाँ पर दिया है, एक टर्म दिया है अस्खोट वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। तो अस्खोट वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं, पहला है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है, ये अस्खोट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ही अवस्थित है, ये बात सही है। दूसरा है हाल ही में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये सेकंड, ये भी सही है, और इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो एक और दो दोनों सही हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। यहाँ पर हम लोग 33 वाला देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर मेरे भाई, तो देखें यहाँ पर एक बेसल कन्वेंशन दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल दिया है, तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले कौन सा सही नहीं है, तो आप लोग बस एक ही नियम अपनाइएगा, कथन आपको एक पढ़ा नहीं आया, दो पढ़ा नहीं आया, तो भागिएगा मत, छोड़ के आप पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे आपको वही गड़बड़ी किया रहेगा जो प्रचलित टर्म रहता है, जो आप जानते रहोगे, आपसे वो आपके सुनने जानने को मिला होगा। तो मान लीजिए हमें ये सब नहीं आता, हम लोग पढ़ते गए और यहाँ हमें एक टर्म मिला नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल में दिया है कि ई अपशिष्ट के निपटान से संबंधित है, नहीं भाई, नगोया प्रोटोकॉल क्या है कि जैसे अनुवांशिक संसाधन तक पहुंच के लिए होता है, जैसे कोई सब मिलजुल के काम किए, अनुवांशिक संसाधन जो होगा तो उनका उपयोग से होने वाले लाभों का हर जगह बंटवा, जैसे जितने लोग मिलकर काम किए तो अनुवांशिक चीज़ों पर जो रिसर्च होती है उस पर रिसर्च करेंगे, और जो उसका बाद में ये प्रॉफिट होगा तो सब में बंटवारा होगा, यानी अनुवांशिक संसाधनों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी यही गलत है, अपशिष्ट के निपटान से नहीं है। तो बाकी सब ये पढ़ लीजिएगा, बेसल कन्वेंशन, विभिन्न देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान से रोक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा के लिए है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से संबंधित है, ये सब तो मालूम है, ये डी वाला। ये दो तरीके होते हैं, जैसे ये तीनों आपको कन्फर्म है कि ये तीनों सही हैं, तो सीधी सी बात, अगर चौथा डी वाला नहीं आता है तो आँख मूंद कर वही लगा सकते हैं। 34 में देखते हैं, यहाँ पर देखें क्या है, एक बहुत अच्छा टर्म है पारिस्थितिकी पदछाप, इसे इंग्लिश में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है मेरे भाई, एक व्यक्ति को एक सतत तरीके से अच्छे से जीवन जीने के लिए उसे
कितनी जो है पर इको सिस्टम में कितनी भूभाग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक गरीब आदमी है तो उसको उसकी फुटप्रिंट कम होगा, क्योंकि मेरे भाई वो सिर्फ रहता है, उसके खाने और रहने की जगह चाहिए। अगर कोई बड़वार है, अंबानी की तरह है, तो उसका फुटप्रिंट ज़्यादा होगा, वो ज़मीन को ज़्यादा जो है कवर करेगा, उसकी गाड़ी कई ठो होंगी, उसके कई ठो महल होंगे, वो कई सारे उसको उद्योग चलते होंगे, तो इस तरीके से। तो पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है? पारिस्थितिकी घटकों की आवश्यक मात्रा जो मनुष्य के जीने के लिए आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही उत्तर होगा, पारिस्थितिकी पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आगे देखें हम लोग 35, तो 35 वाले में क्या कह रहा है, ये भारतीय राष्ट्रीय वन नीति से संबंधित है, भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है उससे। तो राष्ट्रीय वन नीति को आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। तो कह रहा है कि इसके संदर्भ में दो कथन दिए गए, इन्हीं कथन को बताना है। तो देश में सर्वप्रथम 1894 में भारतीय वन नीति बनाई गई थी। यस, ये बात सही है बिल्कुल, वन नीति में ये बात लिखा गया है। स्वतंत्रता के बाद 1952 में वन नीति में संशोधन किया गया। जी, ये कथन हमारा सही निकला। वनों के सतत ह्रास के लिए देखते हुए 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर ये दो भी हमारा सही है, तो सत्य पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। देखें ये वाला हम अगर पढ़ें, जैविक खेती से संबंधित है, जैविक खेती से संबंधित है। जैविक खेती के अवयव यानी उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जैविक खेती के लिए, ये बताना है। तो जैविक खेती में क्या होता है, जैविक खरपतवार नियंत्रण का सिस्टम पर होता है, यानी उस पर खरपतवार को कंट्रोलिंग करना होता है। जैविक कीट एवं रोग का प्रबंधन करना होता है, मैनेजमेंट, ये भी सही है। कार्बनिक खाद्य, ये भी होता है उसका कंपोनेंट में। जुताई रहित खेत, मेरे भाई ये जीरो बजट की जो कृषि होती है वो, यानी जीरो बजट कृषि मतलब आप भी कृषि करने के लिए एक भी रुपया खर्च न करना पड़े, लेकिन ये जुताई रहित ये जैविक खेती में नहीं आता है। जैविक खेती में ये आता है कि आप केमिकल उसमें प्रयोग न करें, लेकिन जुताई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चार नहीं होना चाहिए, जुताई रहती है जैविक खेती में, तो जिसमें चार होगा वो आप काट दीजिए, इसमें चार है, इसमें चार है, और इसमें तो चार है, ये है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य होगा, 36 का सी। आगे बढ़ें हम लोग 37 में क्या है, कि वे कीटनाशक, कुछ कीटनाशक का नाम दिया गया है, मतलब नाम नहीं दिया गया है, वो केवल बात किया है। वे कीटनाशक जिसका छिड़काव होता है, मतलब ऐसी दवा होती है कीटों को नष्ट करने वाली जिसको हम लोग छिड़काव करते हैं, और वो अपघटित नहीं होता है, एक जीव में दूसरे जीव में जाता है, और उसका यहाँ देख रहे हैं ना, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद संग्रहित होते रहते हैं, तथा खाद्य श्रृंखला के उच्चतम स्तर पर विष की मात्रा उच्चतम होती है। जैसे मछली, जिसे आप मान लीजिए मछली खाई, उस आप छिड़क दिए कोई कीटनाशक समुद्र में, तो मछली खाई, उस मछली को बड़ी वाली मछली खाई, उसके अंदर और ज़्यादा वो जो है विष जो है मतलब बढ़ जाएगा, और उससे जो है उससे बड़ी मछली खाई तो उसके अंदर और ज़्यादा जो है वो विष उत्पन्न हो जाएगा। इसी को कहा जाता है साथियों, ये बायो मैग्नीफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछे क्या होता है बायो मैग्नीफिकेशन, ये जो सीरीज बढ़ती जाती है तो इसके आधार पर विष की मात्रा भी बढ़ती जाती है। आगे देखें हम लोग अब 38 में क्या है, तो 38 में साथियों यहाँ पर दिया है, एक तरफ हमें सूची दिया है, कुछ दिवस दिए गए हैं, दूसरी तरफ में उसका दिवस का डेट दिया गया है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर हमें मालूम है विश्व जल दिवस, जो सबसे ज़्यादा क्लियर है वो कौन सा है, विश्व जल दिवस जो होता है मनाया जाता है कब, 22 मार्च को, और उसके जस्ट एक दिन बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा, इस पर चला आएगा हमारा, तो ये यहाँ चला आया। अब देखते हैं हमें इससे काम बना, सी 4 पर आएगा, डी 3 पर आएगा। तो और ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लें, अब मिला दें, तो ये वाला जो है हमारा, ये यहाँ पर चला आएगा, ये यहाँ पर, और ये
3 मार्च पर विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व वानिकी दिवस 24 मार्च। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य होगा। अब देखें यहाँ पर एक कंसेप्चुअल सवाल दिया है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं, तो आप लोग भले से गांव में रहते होंगे इस चीज़ से परिचित होंगे, स्थानीय स्वशासन जो नगरीय क्षेत्र में शहरों क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन होती है उनके कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं। तो आपको मालूम है ये नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है और नगर निगम होते हैं जो सबसे बड़े शहर होते हैं, प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, कानपुर, ऐसे जो बड़े शहर होते हैं नगर निगम होते हैं और जो शहर की शुरुआती अवस्था में रहते हैं नगर पंचायत, और जो थोड़ा छोटे शहर होते हैं नगर पालिका। लेकिन विकास प्राधिकरण नहीं होता ये कोई, ये स्थानीय स्वशासन नाम की ये संस्था नहीं है यूनिट, तो ये 3 गलत हो जाएगा, 3 जिसमें उसे काट दीजिए, तो ये हो जाएगा, सिर्फ हमारा कौन कौन सा रहेगा, ये 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी सत्य है हमारा। तो 40 को हम लोग देखते हैं, भारतीय अन्न भंडार प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है। तो भारतीय अन्न भंडार मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के दोनों बोल दिया, तो ये जो संस्था है ये कहाँ है, लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी। 41 देखें, भारत, देखें ये एक बुक का नाम है साथियों, इस बुक का नाम आपसे पूछा है इसका कौन सा इसको लिखे हैं, तो ये जो बुक इतनी बड़ी नाम है ये बुक का, भारत आधी रात से सहस्त्राब्दी और उससे आगे तक, ये बुक का नाम है, कह रहा है इसको किसने लिखा था, तो शशि थरूर ने लिखा था। शशि थरूर आपको मालूम होगा केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं कांग्रेस के, और वो अपने ज़माने के और इस समय भी सबसे हैंडसम सदस्य माने जाते हैं संसद सदस्य, आज भी देखेंगे तो उनका चमकता चेहरा बहुत हैंडसम लगते हैं। आगे देखें हम लोग 41, 42 हो गया, 42 कहाँ है, देखें हाल ही में नौसेना युद्ध कॉलेज भवन, क्या नौसेना युद्ध कॉलेज भवन जिसका नाम चोल रखा गया है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो मेरे भाई इसका उद्घाटन ये किया गया है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 42 का सी। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सी स्पेस, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, कौन है, सी स्पेस, 43 का। आगे देखें हम लोग 44 में, मार्च 2024 में भौगोलिक संकेतक जिसे हम लोग GI टैग कहते हैं, तो भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला ये जो रूपा तारकशी शिल्प किस राज्य से संबंधित है, तो रूपा तारकशी शिल्प ये जो है मेरे भाई ये यहाँ पर दिया है आंध्र प्रदेश नहीं, बिहार में भी नहीं, ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर सी इससे है तारकशी। आगे देखें हम लोग 45 में क्या है, हाल ही में किस देश ने संविधान में गर्भपात का अधिकार दे दिया है, मेरे भाई फ्रांस ने अपने देश के यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको गर्भपात का अधिकार दे दिया है, वो चाहे बच्चा जितने भी दिन का रहे वो गर्भपात करवा सकती हैं। आगे देखें हम लोग ये एक दिया है 46 में, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नोक्टिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजी गई है, तो मेरे भाई मंगल ग्रह पर, ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह जानते हैं ये सूर्य से चौथा सबसे दूर है, मंगल ग्रह पांचवां सबसे दूर है, 4 तो पहले है, नहीं शायद चौथा है यार, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। आगे देखें हम लोग 47वां में, दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के शुरुआत कहाँ की गई है, तो आप लोग को ये मालूम होगा ये कहाँ है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ये भी याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स पूछाता है निर्माण और विनिर्माण में अंतर क्या होता है, निर्माण का मतलब कोई चीज़ शुरू से जब बनाना होता है तो उसे हम लोग निर्माण कहते हैं, जैसे ईंट बन रहा है तो वहाँ उसके कुछ है मिट्टी से हम लोग ईंट बनाए, अब ईंट मिल गया आपको, अब हमें घर बनाना है,
तो हम उसे विनिर्माण कहेंगे, क्योंकि उसमें ईंट का प्रयोग करके बना रहे, तो ये याद रखिएगा अंतर। आगे देखें, समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किसकी अध्यक्षता में LGBTQ मुद्दे पर जांच की समिति गठित की थी? तो राजीव गाबा के मतलब ये समिति गठित की थी LGBTQ के निर्णय के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ को जो पक्ष में जो निर्णय सुनाया था, तो उसके हिसाब में ये राजीव गाबा समिति गठित की गई थी। देखें यहाँ पर 49 में बाघ संरक्षण सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भूटान में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50वां में कह रहा है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक, यानी विश्व के जो मतलब एक भी एक सूचकांक आया था विश्व के देशों को, साइबर अपराध कहाँ किस देश में होता है, तो अपने भारत का पूछ रहा है, तो भारत 10वां स्थान है, तो यानी 10वां सबसे अधिक साइबर अपराध भारत में होता है। 51 में देखें, उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित दो कथन हैं, इन्हीं कथनों पर हमें जो है अपना विचार रखना है पढ़कर। तो शीत ऋतु में यानी ठंड में राज्य के तापमान में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ोतरी होती है, तो शीत ऋतु में साथियों हमारे जो है जो जैसे हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया में हैं तो हम लोग को मालूम है जब नॉर्थ इंडिया में जो है ये थोड़ा सा ये ठंडी ज़्यादा रहती है, तो वहीं जो है हमारे दक्षिण की ओर जो है ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये बात सही है इसकी। दूसरा कह रहा है राज्य के पर्वतीय तथा पश्चिमी मैदानी भागों का तापमान शीत ऋतु में सबसे कम होता है, तो यस ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा दो के दोनों सत्य हैं। 52 में हम लोग देखें अभी नदी से संबंधित सवाल है, किन निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो दो कथन दिए गए, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है, लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, तो मेरे भाई रामगंगा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, बात सही है, लेकिन ये कन्नौज में नहीं मिलती है, ये हमीरपुर में मिलती है, हमीरपुर याद रखिएगा, तो इसलिए यह गलत हो गया हमारा। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, तो जो है ये बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, तो शायद ये भी गलत है, तो ये 52वां का हमारा ये जो हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर हमने कुछ गलत कर दिया, ये उल्टा बोल दिया हमने, तो हम लोग 52वां में देखते हैं क्या है इसमें, कौन सा कथन सही है इसे हमें बताना है। तो सही कथन को बताना है, दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो पहला क्या है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है, ये बात सही है, रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है और यह कन्नौज में जाकर गंगा से मिल जाती है, सही है। दूसरा क्या है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिल जाती है, तो हमारा ये टर्म गलत दे दिया है, प्रयागराज की जगह ये हमीरपुर होगा, हमीरपुर में मिलती है, यहाँ नहीं मिलती, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक केवल हमारा सही उत्तर होगा। 53 में देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की सहायक कौन सी नदी है मेरे भाई, गोदावरी नदी की सहायक इसमें तो आपको मालूम होगा वैनगंगा भी है, इंद्रावती भी है, प्राणहिता भी है, ये तीनों हैं, लेकिन अर्कावती ये नहीं है इसकी सहायक नदी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये उत्तर होगा। देखें ये क्या है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो है ये गुरुग्राम में संबंधित है, गुरुग्राम एक हरियाणा का बहुत फेमस बड़ा शहर है, ऑप्शन नंबर ए। देखें यहाँ पर एक बढ़िया प्रश्न है ये जनजातियों से संबंधित, तो एक तरफ जनजाति है दूसरी तरफ राज्य है, कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है इसे दिया है, तो जो हमें पहले आता है उसे हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो तमरिया है मेरे भाई ये झारखंड में है, केरल में नहीं है, तो ये आपको गलत दे दिया है, तो दो जहाँ है आप उसे कट कर दीजिए, यहाँ दो बैठा है, यहाँ दो बैठा है, इसका मतलब एक ही विकल्प एक ही फैक्ट हमने पढ़ा
हमें क्लियर हो गया, तो या तो उत्तर ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं हम लोग, ये जो है अब ये हमें तो नहीं आता, सच में बता रहा हूँ ये हमें नहीं आता, लेकिन ये हमें मालूम है सहरिया जो है ये जनजाति राजस्थान की है और अगरिया जो है उत्तर प्रदेश की है। तो इस हिसाब से हमारा केवल तीन और चार उत्तर है कहीं पे, तो तीन और चार यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए यही होगा उत्तर। आगे बढ़े हम लोग 56 में, निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्कियन शैल संरचना का विकास नहीं हुआ है। तो कहाँ पर आर्कियन शैल संरचना का विकास नहीं हुआ मेरे भाई, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भी हुआ है शैल का निर्माण, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग में भी हुआ है, गंगा के मैदान में नहीं हुआ है। भाई मैदान में कौन सा शैल निर्माण होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यही उत्तर होगा, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, नागपुर पठारी क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, ये तीनों में हुआ है, गंगा के मैदान में आर्कियन शैल का विकास नहीं हुआ है। 57 में देखते हैं, तो 57 में क्या है, यहाँ एक तरफ हमें खाड़ी दिया है और दूसरी तरफ संबंधित सागर, कौन सी खाड़ी किस सागर से संबंधित है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखें यहाँ हमें बोथनिया, यहाँ पर हमें कई सारा यहाँ पर दिया है, बोथनिया की खाड़ी, उत्तर अटलांटिक महासागर, तो बोथनिया जो है ये आ जाएगा बाल्टिक सागर से संबंधित है, और ये बिश्के की खाड़ी जो है ये लायंस की खाड़ी कहाँ पर है, ये भूमध्य सागर में है, और कारपेंट्रिया की खाड़ी अराफूसा सागर में है, और ये बिश्के की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो मैंने सारा चीज़ मिला दिया है, लास्ट के दो सीधे सीधे हैं और शुरुआत के दो जस्ट वापस में उल्टे हैं। तो इस हिसाब से हमारा आप मिला लीजिएगा, इसका विकल्प नेक्स्ट पेज पर है। तो इस हिसाब से हमारा मिला लीजिएगा आप इसमें कौन सा है। 58 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बता रहा है हमें। तो फौन जो है ये आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में है, ये बात तो सही है। हरमट्टन एक तरफ, देखिए आप लोग सोच रहे हैं फान, हरमट्टन, जोरन, ब्लैक रोलर क्या है, ये स्थानीय हवाएं हैं, तेज़ हवाएं, तूफान जैसी हवाएं हैं उसका नाम है, दूसरी तरफ वो कहाँ पर चलती हैं ये दिया है। तो फान जो है आल्प्स पर्वत के आसपास चलती है, हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान में, जोरन जो है जूरा पर्वत, और ये ब्लैक रोलर दिया है मेरे भाई, ये रॉकी पर्वतमाला पर नहीं, ये जो है रॉकी पर्वतमाला आप लोग जानते ही हैं ये नॉर्थ अमेरिका में है, तो नॉर्थ अमेरिका में ही चलती है ब्लैक रोलर, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के मैदानी भागों में। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा उत्तर। 59 एक तरफ जनजाति दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। तो देखें एक फेमस जनजाति है वो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर, खिरगिज इसका नाम जैसा है, इसी नाम जैसे देश में पाई जाती है, किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक देश है, इसमें तो पूरा लिख दिया है मध्य एशिया, मेरे भाई पूरे मध्य एशिया में थोड़ी न पाई जाती है खिरगिज जनजाति, यह किर्गिस्तान में पाई जाती है। तो ये आप लोग देखेंगे मध्य एशिया का एक देश है, इस्लामिक कंट्री। तो ऑप्शन नंबर ये डी जो है हमारा गलत होगा, और बाकी सब ये सब सही हैं। यूपी जो है पश्चिमी अलास्का, लैप्स ये दक्षिण स्कैंडिनेविया, और मावेरी जो है इंडोनेशिया में। 60 वाले में देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, एक तरफ हमें दिया है यहाँ पर पठार दिया है और दूसरी तरफ संबंधित देश दिया है, तो कौन सा पठार किस देश में पाई जाती है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, पहले हम लोग देखें जो हमें आता है ठीक से, पहले हम लोग उसको मिला लें। तो किम्बरले का पठार कहाँ पर है मेरे भाई, किम्बरले का पठार फेमस है ऑस्ट्रेलिया में है, ये होगा, और पिडमांड का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में, और ये जो मोंटोग्रासो का पठार है ये ब्राज़ील में है। अब चौथा आपको मालूम हो या न हो, एक ही बचा है तो उसे आप मिला दीजिए यहाँ पर, म्यांमार में है।
तो इस हिसाब से हमारा जो विकल्प बन रहा है तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। ये 61 में हम लोग देखें तो 61 में क्या है, एक तरफ विज्ञान परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ उसका लोकेशन दिया है कहां पर हैं। तो ये मान लीजिए हमको पढ़े हम पढ़ लें, आ नहीं रहा है तो फिर भी पढ़ना तो बनता है। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव, जिसे जो है ये लिखा है लिगो, तो ये थेनी तमिलनाडु दिया है। अब दिया है वहाँ है कि नहीं है, हम लोग आगे थोड़ा कोशिश करते हैं, ये मान लीजिए हमें नहीं मालूम, मान क्या मालूम ही नहीं है। आगे देखते हैं इंडिया बेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, तो ये साथियों हमें मालूम है ये महाराष्ट्र दिया, महाराष्ट्र नहीं है, ये तमिलनाडु में है, ये तो गलत हो गया। अब साथियों ये गलत हो गया तब हम क्या कर लें, दो जहाँ होगा उसको हम मिला देंगे, मतलब कट कर देंगे। और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ये लद्दाख में है, ये भी बहुत फेमस है, तो इसका मतलब केवल 2 और 3 सही हैं। सॉरी ये 2 तो गड़बड़ हो गया क्योंकि ये महाराष्ट्र दिया था, तो यानी 2 नहीं होना चाहिए विकल्प में, 1-3 अगर कहीं हों दो तो हो सकता है वही हो। तो 2 तो नहीं होगा, तो 1-3 कहीं नहीं है, तो हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं एलिमिनेशन के माध्यम से 3, क्योंकि 3 क्लियर है हमें। यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, 3 भी, लेकिन हमें 3 क्लियर है, तो इसका मतलब हम जो क्लियर हैं उसी के साथ रहें, जैसे हम 2 लोग बिछड़े हुए हैं तो हम लोग जिसको पहचानते वही हमको मान, उसी को हम, वही हमारा होगा ना, अगले को हम छोड़ देंगे वहीं। ये 62 देखते हैं क्या, इसमें कौन सा ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण यानी कॉस्मेटिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का स्रोत है, तो यहाँ पर दिया है कृष्ण विवर, पल्सर, सुपरनोवा, ब्रह्मांडी प्रकाश। यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा 62वें का, तो 62वें का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ब्रह्मांडी प्रकाश होगा। यहाँ पर देखें इसमें क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थोपाय अग्रिम नीति कब लागू हुई, तो 1997 में लागू हुई। अगर आपसे LPG पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, कमेंट में बताइएगा। 64 में क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा पहले घटित हुई थी, तो आपको मालूम होगा ये मुद्रा बैंक ये 15 के बाद आया था, बैंक ब्यूरो ये भी शायद 14 के बाद ही आया था, ये तो इसको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन होगा। इसमें कह रहा है कौन सबसे पहले घटित हुई थी, तो मिशन इंद्रधनुष 2014 संबंधित है, प्रधानमंत्री जनधन योजना भी उसी से है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है, ये एक टीका था जो 7 रोगों के इलाज के लिए आई थी, 7 रोगों से निदान पाने के लिए, तो इस मिशन इंद्रधनुष से पहले ये आया था प्रधानमंत्री जनधन योजना जो खाता वाला था फ्री में, तो ऑप्शन नंबर यही होगा हमारा, इसी के साथ हम लोग को रहना है, तो सी हो जाएगा हम लोगों का। 65 में क्या है इसे देख लेते हैं, बैंकिंग के सुधार के लिए गठित एक जो समिति गठित हुई थी जिसका नाम था ये उर्जित पटेल समिति, ये कई बार ऐसे पूछ लेगा ये उर्जित पटेल समिति किससे संबंधित है, तो ये बैंकिंग सुधार से है। तो क्या सुधार किया था, इसका उद्देश्य क्या था, मौद्रिक नीति का विश्लेषण करके इसको सशक्त बनाने के लिए। मौद्रिक नीति क्या होता है साथियों, मौद्रिक नीति आप लोग जानते हैं, नीतियाँ दो प्रकार हो, दो टाइप की होती हैं, मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति, और मौद्रिक नीति जो होती है ये RBI बनाती है, राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। अब 66वां में हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलाने वाला है, तो हम लोग मिलाकर इसमें देखते हैं, हमारा एक तरफ यहाँ पर खनिज दिया है और दूसरी तरफ शीर्ष राज दिया है, कौन सा खनिज में कौन किस, कौन सा राज्य किस खनिज में शीर्ष है उसके बारे में हमें मिलाना है। तो देखें साथियों एक चीज़ हमें यहाँ कन्फर्म है, प्राकृतिक गैस ये तो असम में है, ये तो क्लियर है प्राकृतिक गैस असम में है, और कच्चा तेल जो है ये राजस्थान में शीर्ष पर है, तो ये दो चीज़ें हमें एकदम क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हमारा ये सी वाला 1 के साथ जाएगा और बी वाला 4 पे रहना चाहिए, यानी बी 4 पे रहना चाहिए,
और ये सी एक पर रहना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर बी, हमारा उत्तर होगा ये वाला। देखो हमें दो ही मालूम था फिर भी हमने उत्तर निकाल लिया, तो इस हिसाब से अब हम मिला दे, अब हमें मालूम पड़ गया। तो जो है ए जो है तीन के साथ जाएगा, यानी मैग्नेसाइट उत्तराखंड के साथ चलाएगा और ग्रेनाइट जो है ये कर्नाटक के साथ। चले हम लोग अगला पे देखते हैं 67। तो 67 में साथियों सिंपल सा प्रश्न है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। हमें मालूम है आपको अगर पूछे तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में, इतना याद रखिएगा नाइट्रेट। तो लेकिन धान का पौधा किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, तो आपको मालूम होगा, पढ़े होंगे आप जो नाइट्रोजन का वो जो चक्री सिस्टम वाला पढ़े होंगे, तो धान जो है अमोनियम के रूप में ये ग्रहण करता है, तो इसीलिए उसमें जो है ये उसका भी एक रीज़न होता है, जो धान के खेत से वो मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है तो इसमें से भी एक रीज़न होता है। ये देखिए हम लोग रासायनिक तत्वों का जीव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है, तो ये पूछना चाह रहा है रासायनिक तत्वों का जो जीव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश हो जाता है वो किसके माध्यम से होता है, पौधों के माध्यम से। ये 69 में क्या है, निम्नलिखित में से सही सुमेलन को चुनिए, जो सही सुमेलित है उसको चुन लेना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, ये मेरे भाई तमिलनाडु के ये त्रिची में है, तो ये गलत दे दिया। अब सोचो ये दे दिया तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ये तमिलनाडु में ये भी कोयम्बटूर है लेकिन वो त्रिची में है, उसका एक शहर दूसरा है। तो ICR गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है, तो यानी ये यहाँ रहना चाहिए था, ये यहाँ उल्टा दे दिया, ये दोनों गलत हो गए। तो हमें सही पूछा है, तो सही क्या है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, यस ये बात सही है, हम लोग इसी के साथ रहेंगे, सही है ये। आगे चले हम लोग 70 में, तो 70 में साथियों एक तरफ पशु रोग दिया है, दूसरी तरफ उसका रोग का कारण क्या है ये दिया है। तो गिल्टी रोग जो होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, सही है, लेकिन हमें असत्य को बताना है कौन सा असत्य है, याद रखना है सत्य असत्य को पहले देख लेना है उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो पहला वाला तो सही है, ये गिल्टी रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और गिल्ट रॉट जो होता है वो कवक के द्वारा फंगी के द्वारा होता है, ये पोंकनी जो होता है ये वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है। तो ये सब सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमसे असत्य पूछा है तो आँख मूंद कर आप इसी के साथ जाएंगे, भाई यही गलत होगा, जो हमें तीन कन्फर्म हो गए तो यही गलत होगा। अब बात आती है भाई ये क्यों गलत है, मिल्क फीवर यानी इसे दूध बुखार बोला जाता है, तो ये जो दूध बुखार है ये ज़्यादातर गायों में पाया जाता है, जो गायें 5 से 10 साल के बीच की होती हैं उन गायों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जीवाणु नहीं होता, इसमें कैल्शियम की कमी के कारण वो मिल्क फीवर आ जाता है उसमें। आगे बढ़े हम लोग 71 देखते हैं क्या है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए गए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, तो आपसे अगर ऐसे पूछेगा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा जारी किए गए, तो आप बता देना वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा। तो ये पूछ रहा है जो सूचकांक आया है 24 वाला, भारत इसमें किस स्थान पर है, तो आपको बता देना है मेरे भाई भारत 129वें स्थान पर है इसमें, 129। देखें ये सिंपल सा सवाल एकदम है बच्चों जैसा, ये तो कोई भी आँख मूंद कर बताएगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जो अम्लीय वर्षा में का बहुत बड़ा एक उत्तरदायी है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो चाइना, क्योंकि चाइना इस समय खूब सारा कोयला फूंक रहा है विश्वगुरु बनने के चक्कर में। आगे बढ़े हम लोग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 104 वर्ष के इतिहास में किस महिला को पहली बार कुलपति बनाया गया है, तो आप लोगों को ये चर्चा में खूब था, प्रोफेसर नईमा खातून, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को मालूम होगा ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, तो इसका नाम क्या था और इसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब पढ़ा, ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा पढ़ के। आगे हम लोग देखते हैं 74 में, देखें एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा टर्म है, ये खूब चर्चा में था, किस देश की सरकार के द्वारा
रवांडा निर्वासन विधेयक को मंजूरी दिया गया है। तो रवांडा निर्वासन विधेयक को मेरे भाई ब्रिटेन में जो है ये मंजूरी दिया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर। ये जान लीजिए बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है, रवांडा एक देश है अफ्रीका का, वहाँ एक बहुत दंगा, बहुत भीषण दंगा हुआ था। ऐसा दंगा हुआ था कि वो अब तक इतिहास में दर्ज हो, विश्व का सबसे बड़ा दंगा रवांडा में हुआ था, जहाँ पर जो है वहाँ की 20% आबादी दंगा में ख़त्म हो गई थी, और बाकी जो लोग जो बचे खुचे थे तो भागकर ब्रिटेन में चले आए थे, शरणार्थी बन के जीवन जी रहे थे। तो ब्रिटेन ने एक विधेयक पास किया कि उनको फिर से रवांडा भेजने के लिए, उनको जो है उसकी सरकार से समझौता करके, तो उसी लिए रवांडा निर्वासन विधेयक बनाया है ब्रिटेन ने। आगे देखें हम लोग 75 में, भोजन मुहैया कराने के लिए किस भारतीय गैर सरकारी संगठन की चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में की गई। तो भोजन मुहैया कराने के लिए किस भारतीय गैर सरकारी याद रखिएगा संगठन की चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई। तो यहाँ पर क्या क्या नाम है, अक्षय पात्र, हेल्प एस इंडिया, केयर इंडिया, लिब्रा इंडिया। तो यहाँ पर हमारा जो 75 का जो उत्तर होगा अक्षय पात्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। 76 में क्या है, ये तो भी आप लोग को मतलब ये क्वेश्चन गले नहीं उतरेगा, आप लोग को लगेगा कि यार ऐसा कैसा, हम लोग चाइनीज़ इतना चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार चाइना से ही है, नंबर एक पर। अभी जो है देखेंगे 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो चाइना है भाई, ऑप्शन नंबर बी 76 का बी हो जाएगा। ये देखें हाल ही में संसदीय चुनाव में पहली बार किस जनजाति ने अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया, तो मेरे भाई शोपेन, ऑप्शन नंबर डी। 78 में क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस पेट्रोलियम कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक मुनाफा कमाया, तो मेरे भाई IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर ए। 79, हाल ही में वैश्विक अर्धभूमि सूची में शामिल किए गए दो नए स्थल जिसका नाम नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य का किस राज्य से संबंधित है, तो मेरे भाई ये बिहार से संबंधित है, 79, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बढ़ें, इसमें दिया है 77वें कौन फिल्म महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो अनुसुईया सेन गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए। 81 में देखते हैं, आईपीएल 2024 के विजेता कौन था। आईपीएल अगर आप लोग देखते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। तो 82 में हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पर हाल ही में हुए जे ट्वेंटी जो है जॉइंट 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये किस शहर में किया गया है भाई, ये रियो जी डेनेरियो में, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखें हम लोग, अब अच्छा मैचिंग नहीं है इतने हैं, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर दे दिया है, दूसरी तरफ शासक दे दिया है, तो कौन सा सही नहीं है इसको बताना है हमें 83 वाले में। तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है, खजुराहो का विष्णु मंदिर यशोवर्मन शासक से संबंधित, कश्मीर का मार्तंड मंदिर ललितादित्य मुक्तिपीठ इससे संबंधित है, और भृगु कच्छ का आशापुरी देवी मंदिर विग्रहराज द्वितीय से संबंधित है, ये तीनों हमें क्लियर है, तो इसका मतलब यही नहीं होगा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर ये गलत है। आगे देखें हम लोग 84 में, 1398 में चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने व चीनी सेनाओं का सहयोग देने के लिए भेजे गए चिकित्सक दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था भाई, ये डॉक्टर एम अटल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 1938 में।
85 में क्या है, 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किस नेता ने भाग लिया था, तो किस नेता ने इसमें भाग लिया था, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स में। अब जब नाम आएगा, ये बहुत फेमस है 1927 का ब्रुसेल्स आयोजन, तो नेहरू जी से संबंधित है। ये देखिए क्या है, बायोवेंटिंग से आप क्या समझते हैं, तो बायोवेंटिंग से मेरे भाई आपको बताना है, तो ये स्वस्थानीय जैवोपचार संबंधी तकनीक है एक बायोवेंटिंग। जैसे मान लीजिए आप कोई उद्योग चला रहे हैं, आप बहुत सारा प्रदूषण फैला रहे हैं, तो आप उसी जगह उस धुआं को या जो गैस फैल रहे हैं तो उसको आप स्टोर करिए और उसे जो है उसी स्थान पर उसे जो है या तो ज़मीन में उसको जो है रिड्यूस करा दीजिए, या तो कहीं समुद्र है या कोई और, तो उसी स्थान पर उसका मतलब जो उपचार कर देना, स्वस्थानीय जो उपचार तकनीक कहलाती है, तो बायोवेंटिंग उसी संबंधित है। 87 में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 87 में कहाँ गया, यहाँ प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित निम्न कोशिका कोंग मतलब प्रोटीन का संश्लेषण पूछ रहा है, किस सेल ऑर्गेनल्स में भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो प्रोटीन का संश्लेषण आपसे पूछ रहा है, नीचे कई कोशिकाओं का नाम दिया है, कोशिकांग का पूछ रहा है किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है प्रोटीन के संश्लेषण में, तो यहाँ पर जो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम दिया है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका और राइबोसोम दिया है, और यहाँ पर गाल्जी उपकरण दिया है, तो यहाँ पर होगा ये अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम, ये होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। 87-88 में देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत जो है वो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो इसको हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर हमारा ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसको थोड़ा सा हम सेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या है, 88 में कह रहा है ऑक्सीडेशन के संदर्भ में ये दही दो कथन दिया है, अब इन्हीं को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है। तो देखें, जो चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो आप लोग सुने होंगे चांदी के ऊपर जो है काली परत आ गई, और तांबा जो आपका जो आपको फैन ओवन में जो यूज होता है उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका। इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ये भी बात सही है, क्योंकि आप जैसे वो जो कंपनियां होती हैं चिप्स या नमकीन की होती है थैली, उसमें जो है ऑक्सीजन निकाल कर थैली में से उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, नहीं तो रिएक्शन करके उससे जो है एकदम लुजली हो जाएगी, उसका जो वो क्वालिटी होती है ख़राब हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम सरकार का अणु है, सॉरी मैं सरकार प्रकार को सरकार बोल दिया, तो कह रहा है कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है, तो प्रथम प्रकार का अणु कौन है, 89 में पूछ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम हाइड्रोक्साइड, आणविक हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक आइसोटोप, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, हीलियम हाइड्रोक्साइड। 9वां में कह रहा है जल में अस्थाई कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, यानी टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वह किसके कारण होती है, तो मेरे भाई मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 90 में कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार किया जाता है वह किस नाम से जानी जाती है, तो विज्ञान की उस शाखा को बताना है जिसमें अनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से मानव प्रजाति में सुधार किया जाता है, तो ये मेरे भाई ये है यूजेनिक्स के नाम से, कुछ लोग लगा देंगे यूथेनिक्स, तो यहाँ पर नहीं होगा, ये यूजेनिक्स का नाम है, इसका एक साइंटिफिक टर्म है। 92 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक अंग श्वसन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, यहाँ चार नाम दिया है, श्वसनी
वोमन संपुट, श्वास नली, डायाफ्राम, तो इनमें कौन है वो जो श्वसन की क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो वोमन संपुट ये नहीं लेता है, बाकी सब लेते हैं। तो देखें हम लोग 93 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर हमें सुमेलन को बताना है कौन सा सही सुमेलित है कौन सा नहीं है, इसके बारे में हमें ऑप्शन में कूट दिया है, पढ़कर हमें बताना है सही से। तो देखें फ्लोरीन, फ्लोरीन मेरे भाई हड्डी से संबंधित नहीं होती है, ये पहला ही गलत हो गया यहाँ पर। तो ये दांत ओत से संबंधित हो जो होती है ये इसमें हड्डी संबंधित नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। बाकी आयरन जो होता है हमारे ब्लड से संबंधित होता है, ये तो बात आप लोग जानते ही हैं, ये सही है। कैल्शियम हड्डी से संबंधित होती है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल से, पौधों में इसी कारण जो है वो होती है प्रक्रिया उनकी भोजन बनाने की, सोडियम तंत्रिका आवेग, तो ये सब सही है, केवल पहला गलत है, जिसमें पहला है आप उसे काट दीजिए, तो बाका इसमें भी पहला मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। तो 94 में हमारा क्या है, किस संस्था के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 मिड ईयर अपडेट रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये किस, इतना बड़ा जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2024 मिड ईयर अपडेट रिपोर्ट, ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ आपको चार नाम दिया गया है, तो ये चारों नामों में से यहाँ पर हमारा कौन होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा, यूएन डेसा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2024 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की थीम जो है ये योजना का हिस्सा बने, ऑप्शन नंबर बी ये है 95 का। आगे हम लोग बढ़ें 96 में देखते हैं, भारत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं उसके संबंध में ये कथन दिया है और उसी पर हमें विचार करके सही उत्तर को देना है हमें। तो दिया है इसको वो संविधान में 42वां सत्य कथन को बताना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, यस सही बात है, मौलिक कर्तव्य, इसको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है, तो ये भी सही है क्योंकि संविधान तो मौन है क्योंकि संविधान ज़बरदस्ती भी नहीं करता। तो मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है, तो ये भी बात सही है, ज़बरदस्ती का मामला नहीं है, तो यहाँ पर सही है, तीनों के तीनों कथन हमारा सही है यहाँ पर। 97 में देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है, तो भारतीय संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा है वो किससे प्रेरित है? तो मेरे भाई ये जो है आयरिश की संविधान और अमेरिकी संविधान दोनों से है, ऑप्शन नंबर डी। 98 में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको सेट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर क्या है 98 में दो विचार करना है कथनों पर और हमें ये सही उत्तर देना है, तो विचार करके हमें सही उत्तर दें। क्या है, वाई के अलग समिति ने पोषण संबंधित आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्माण किया। तो मेरे भाई वाई के अलग समिति ये गरीबी रेखा का निर्धारण का लेख बनाई थी, तो कौन वो व्यक्ति होगा जो गरीबी रेखा के ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, तो वाई के अलग समिति ने इसका बढ़िया से बनाया था, तो ये बात सही है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये सही है। रंगराजन समिति के अनुसार शहरों में प्रति व्यक्ति मासिक आय 2160 और गांवों में 1400 से कम खर्च करके वाले व्यक्तियों को गरीब माना जाएगा। तो मेरे भाई ये 1400 नहीं है, ये 1800 के आसपास होगा, तो ये गलत होगा, तो ये हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 99 हम लोग देखते हैं, एक प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में बात कर रहा है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में ये दो कथन दिया है और दो कथन के साथ हमें
ये बताना है कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो प्रगतिशील कर में उस मूल्य में वृद्धि के लिए कर की दरों में वृद्धि होती है जिस पर हम लगाते हैं। तो मेरे भाई प्रगतिशील कर जो है ये इनकम बढ़ने के साथ ये टैक्स भी बढ़ जाता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया एक प्रगतिशील टैक्स होगा। तो जैसे मतलब आपका इनकम जो है 10 लाख है तो 30% लगा, आपका जो है कल 20 लाख हो गया तो 30% तभी रहेगा लेकिन उसका पैसा ज़्यादा आएगा, यानी आपकी इनकम बढ़ी तो आपका टैक्स भी बढ़ गया। तो इस हिसाब से होता है। तो यहाँ पर केवल एक ये तो पहला तो सही हो गया, भारत में बिक्री कर प्रगतिशील कर का एक उदाहरण है। नहीं मेरे भाई, ये जो बिक्री कर है सामान का ये बिक्री कर का उदाहरण नहीं है। तो ये हमारा केवल एक होगा, ये वाला 99 का ए हो गया हमारा। अब देखते हैं 100 का, हम देखते हैं 100 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा हमारा एक सही सुमेलित है, यहाँ पर ये दिया है हमारा 100 में। तो गन्ने की धूल, कोयला के कण, जैसे गन्ने की जहाँ पेराई होती है वहाँ से भी छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो निकलते हैं, उसी को लिखा है गन्ने की धूल। तो उसे क्या कहता है, एंथाकोसिस कहा जाता है। कोयला के जो कण होते हैं वहाँ पर वेगा सोसिस कहा जाता है। तो इसमें सॉरी यहाँ पर हमने कुछ गलत कर दिया। 100 वाले में कह रहा है कि गन्ने की धूल ये एंथाकोसिस से नहीं है, ये जो कपास की धूल है ऑप्शन नंबर ये सी में है, ये बीसीनोसिस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 100वां का ये सी हो जाएगा। और एक हमारा जो 101 में क्वेश्चन दिया है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये। ये कह रहा है कि इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना होने के कारण इसकी अल्प मात्रा भी मनुष्य के सांस लेने और के लिए समस्या पैदा करती है, तो जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ये क्या है। मेरे भाई इतना जो आपको प्रवचन सुनाया ये 101 में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड में सी और इतना ही बड़ा ओ, ये सी ओ हो गया ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में सी इतना बड़ा लगाएंगे, ए इतना छोटा लगा देंगे ओ, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये कोबाल्ट हो जाएगा। और ये दोनों सेम टू सेम रहेगा तो दोनों कैपिटल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मैं तो थोड़ा सा वैसे बता दिया तो इसको याद रखिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है यह आपके हीमोग्लोबिन से 300 गुना जत्ते जुड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है। तो साथियों हम लोगों ने 120 प्रश्न इसमें जीएस का था, तो 100 प्रश्न हमने देख लिया है और बाकी 20 प्रश्न वो और सी सेट किसी अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी टाइम का इशू है हमें। तो इस 100 प्रश्न को 101 प्रश्न हमने यहाँ तक बता दिया है। तो आप लोग इसे जो है अच्छे से करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर मैसेज कर देंगे तो हम ये जो है इसका PDF आंसर की सहित भेज देंगे। तो साथियों मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।